तो मेरा नाम है सुमंत्र कुमार और आप देख रहे हैं लेटर एसएम चैनल टेक्निकल। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एचपी के लैपटॉप का, जिसने अभी अपना नया लेटेस्ट लैपटॉप लॉन्च किया है, जो अभी 28 अगस्त 2018 को लॉन्च हुआ है। तो मैं उसके बारे में रिव्यू करूँगा और बताऊँगा उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। और ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ये है एचपी का नया लैपटॉप और जिसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूं और मैं आज आपको बताऊंगा इसमें ऐसा नया क्या है। और एचपी ने इसे अभी नया लॉन्च किया है और मैं अब इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं देखता हूं यहां पर इसका क्या मॉडल नंबर है। और देखिए यहाँ पर एचपी लैपटॉप ने अपना नया मॉडल 15DA0326 इस मॉडल का नाम है। इसमें 7th जनरेशन इंटेल कोर का जो प्रोसेसर दिया है, जो i3 है, और जो प्रोसेसर है 2.4 GHz है और 1 TB हार्ड डिस्क, और इसमें DDR रैम दी है 4 GB, और इसमें विंडो 10 इनबिल्ड है, और इसमें 15.6 की जो डिस्प्ले दी है, और इसमें और भी बहुत सारे फीचर दिए हैं। ब्लूटूथ है, और इसमें जो डिस्प्ले दी है वो फुल HD है। और इससे पहले जो लैपटॉप था उसमें सिर्फ HD थी, इसमें अभी इन्होंने फुल HD किया है इसको। मैं अभी और भी देखता हूँ इसमें क्या क्या दिए गए हैं। अभी मैं इस साइड में यहाँ पर HP का दिया है, यहाँ डेट वगैरह मेंशन होती है। अभी यहाँ पर ऊपर से देखता हूँ इसकी डेट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, जो प्रोडक्ट वगैरह का है थोड़ा डिटेल दी गई है। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं HP के इस नए मॉडल का। ठीक है, और अभी मैं इसको इसकी टेपिंग जो की हुई है उसको रिमूव करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसका टेपिंग रिमूव कर रहा हूँ और इसका रिव्यू करने वाला हूँ। इसको मैं काट रहा हूँ थोड़ा सा, इसको देखिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, देखते हैं अभी इसमें ऐसा क्या क्या दिया गया है। और इसको ठीक से रिमूव करना है, चारों तरफ से कटिंग कर लेना है, और जो इसका देखिए दोस्तों अंदर यहाँ पर एक इसमें बिल दी गया है और मैं देखता हूँ उसमें ऐसा क्या है। यहाँ पर देखिए आपको ये सामने दिखाई दे रहा है जो बिल है, अभी मैं अंदर से देखता हूँ इसके बिल की कुछ डिटेल दी गई होगी जो इसमें। हाँ देखिए दोस्तों, इसका जो बिल दिया गया है आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो परचेस किया गया है, और इस पे यहाँ सारी इसकी डिटेल है, जो जो प्रोडक्ट है इसके उनके बारे में पूरी तरह से इस बिल में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगर नेक्स्ट शुरू करते हैं। अभी मैं बिल को रख देता हूँ, अभी देखता हूँ। देखिए दोस्तों, साइड में यहाँ पर एक एडाप्टर है, एडाप्टर दिया गया है, इस पे एक इसके चार्जर की केबल है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ देखिए एक एडाप्टर है, उसको आपको यहाँ प्लग इन करना है, और प्लग इन करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको अटैच कर देना है, फिर उसके बाद आप चार्जर का यूज कर सकते हैं, चार्जर का यूज कर सकते हैं। मैं इसको नीचे रख देता हूँ, और अभी मैं इसका लैपटॉप वगैरह, अब इसके अंदर तो और भी कुछ दिया गया है, इसमें इसकी कुछ गाइडलाइन दी गई हैं इसको कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं। और देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको चार्जर कैसे लगाना है, और
यहाँ पे प्लगइन कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, इसके स्पीकर्स वगैरह के बारे में, तो आप इसके पढ़ के देख सकते हैं। और मैं आगे चलता हूँ, अभी मैं यहाँ से देखिए मैं लैपटॉप को निकाल रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पर सिल्वर कलर का दिया गया है, और ये लैपटॉप, इसमें अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको साइड से रख देता हूँ। और देखिए ये सिल्वर कलर का है, बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है। और ये जो अभी HP ने जो लॉन्च किया है उसको 7th जनरेशन में किया है, और ये i3 में है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए इसके साइड में जो पोर्ट दिए गए हैं वो 3.1 में है। यहाँ पर आप USB यूज कर सकते हो, और भी जो डाटा केबल यूज होती हैं HDMI वगैरह, आप चार्जर प्लगइन वगैरह, हेडफोन्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। इसके सेकंड साइड में CD-ROM दिया गया है, जहाँ पर आप CD वगैरह लगाकर यूज कर सकते हो। USB का भी दिया है, और आप SD कार्ड जो इसके बड़ा वाला आता है वो उसको यूज कर सकते हो। यहाँ में देखिए पावर का भी यहाँ एक लाइट दी गई है, और HD अगर आप कुछ भी यूज करते हैं तो यहाँ पर लाइट के द्वारा आपको पता चल जाएगी। यहाँ एक अच्छी बात है कि HP ने यहाँ पर इसका एक बहुत प्यारा लुक दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक में जो इसकी बैटरी है, इसको बहुत ही तरह से इन्होंने इसको पेस्टिंग कर रखा है, और ये 3 सेल में है, 3 सेल में दिया गया है इसको। और 3 सेल में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट रहता है ये, जहाँ पर आप बैटरी लाइफ बहुत अच्छी पा सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल दी गई है, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं इसकी बैटरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमें इसको ओपन करके देखता हूँ और इसको स्टार्ट करता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, अभी मैं इसको यहाँ से आपको ऐसे रखना है, और यहाँ से देखिए सीधा इस तरह से ओपन करना है। और देखिए इसकी डिस्प्ले, यहाँ पे देखिए मैंने इसको कर लिया है। अभी इसको मैं पावर बटन दबाता हूँ, पावर बटन इसको दबाना है। देखिए पावर बटन कहाँ दिया गया है इसको, यहाँ पर साइड में देखिए कॉर्नर पे पावर बटन दिया गया है, आपको उसको दबाना है। और देखिए अभी ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद देखेंगे इसमें ऐसे और क्या क्या। दोस्तों ये 7th जनरेशन में दिया गया है, इसमें बहुत नए नए फीचर्स अपग्रेड किए गए हैं। ये 4GB रैम में है, DDR4GB की रैम है, इसमें 7th जनरेशन है, i3 है। और अच्छी बात यह है कि ये विंडो 10 इनबिल्ड है इसमें, और DOS में नहीं है। इसमें आपको साथ में इसके और भी देखिए दोस्तों, यहाँ इसका जो डिस्प्ले दी गई है वो फुल HD है, आपको देखते ही पता चलेगा। और यहाँ पर जो इसकी कीबोर्ड दिया गया है वो सिल्वर कलर में ही है पूरा। और यहाँ ये बॉडी जो इसको मैं देखिए, यहाँ इसका जो टचिंग है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और इसका जो कीपैड दिया गया है इसमें इसको बहुत ही स्मूथ बनाया गया है। और हाथ अगर आप काफ़ी स्मूथली यूज करके आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसे ओपन कर लिया है, इसके देखिए इसको मैं अभी इसके बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। इसमें 1 TB दिया गया है, अभी इसमें कितना दिखा रहा है, अभी 359 इसमें दिया गया है, 1883 इसमें टोटल 1 TB ही मिला है आपको, जिसमें से अभी मैं जानता हूँ इसमें। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो विंडो 10 है उसकी जो जेनोन है
उसको आप कैसे पता कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज। इससे यह पता चलता है कि ये इसमें विंडो 10 इसका ओरिजिनल वर्जन है, इससे आप को इसके पूरा बेनिफिट मिलता है। और इसमें देखिए इंटेल कोर का i3 7 CPU 2.40 और 4G ये 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया गया है इसका। और यहाँ पर एक अगर आप 35 से 40 हज़ार की एवरेज में कोई अच्छा लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। और भी लैपटॉप HP के हैं, वो भी सारे अच्छे हैं। अगर आप और भी बेहतरीन चाहते हैं तो HP ने और भी अपने नए लैपटॉप को लॉन्च किया है, उसे आप परचेस कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, इसकी देखिए डिस्प्ले कितनी बेहतर दी गई है और मैं इसको अभी लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पर HP को मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर देखिए मैं अभी इसको वीडियो को चला के दिखाऊंगा और इसमें क्या क्वालिटी है फुल HD से। देखिए आप, मैं एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक कोई भी वीडियो मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कोई इसमें वीडियो दिया नहीं गया है, उसके लिए मैं यहाँ पर कोई वीडियो, ठीक है, मैं वीडियो चलाने के लिए पेन ड्राइव का यूज करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर आपको इस तरह की कोई पेन ड्राइव लेके लगानी है, आप यहाँ पेन ड्राइव भी यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इस पेन ड्राइव यूज कर रहा हूँ, इसमें साइड में पोर्ट दिए गए हैं। और इसमें अच्छी बात यह है, आपको जो USB पोर्ट मिलता है वो 3.1 में, जिसमें आपको पूरी परफेक्ट स्पीड मिलेगी। इसको देखिए मैंने लगा दिया है और यहाँ पे देखिए अभी ये शो करेगा, स्कैन कर रहा है अभी। देखिए नीचे यहाँ पर इसने USB को शो कर दिया है और आपको इसको ओपन करना है और आप जिस वीडियो को चलाना चाहते हैं तो उसे चलाकर आप इसकी क्वालिटी को पता कर सकते हैं। तो देखिए मैं कोई भी एक वीडियो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर किया है और यहाँ पर एक कोई मूवी ही ओपन कर ली है और इसकी अभी पिक्चर क्वालिटी देखते हैं कितनी बेहतर है। और ये देखिए इसको यहाँ पर, वाकई में इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और फुल HD पूरी तरह से लग रहा है। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मैंने मदद थोड़ी ना मांगी थी, वो सड़क छा गुंडे ने काट दी गई है, बोर्ड मीटिंग की जरूरत है। और यहाँ पर देखिए पिक्चर क्वालिटी काफी बेहतर है। यहाँ पर इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर दी गई है और आप इस यहाँ मूवी का अच्छा आनंद ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 3D गेमिंग का शौक रखते हैं तो आप यहाँ गेम भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्राफिक बहुत अच्छा दिया गया है आपको, 620 GB में आपको इसका इंटेल का ग्राफिक मिलता है, जहाँ पर आप गेमिंग वगैरह भी खेल सकते हैं। यहाँ पर गेमिंग के अलग अलग टाइप्स हैं, देखिए यहाँ पर 3D गेमिंग भी यूज कर सकते हैं। और आप में आपको इसमें कीबोर्ड मिलता है, मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ जिससे कि आपको बाकी फीचर्स के बारे में बता सकूँ। आपको यहाँ कीबोर्ड मिलता है न्यूमेरिकल साइड में और अच्छी बात यह है कि आप अगर सिस्टम का ज़्यादा ही यूज करते हैं तो आपको एक अरे न्यूमेरिकल साइड से दिया है, जिससे आप टाइप करने की स्पीड और ही ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और इसका जो टचिंग पैड है बहुत ही अच्छा दिया गया है, जहाँ पर आप बहुत ही स्मूथली यूज करके इसका बेहतर यूज कर सकते हैं।
दोस्तों ये मेरा फर्स्ट रिव्यू था, अगर कुछ मिस्टेक हो तो ज़रूर बताना, और मैं आगे ऐसे ही इसी तरह से और भी आपको नए नए प्रोडक्ट्स के रिव्यू कराऊंगा, और जो भी प्रोडक्ट के बारे में बेहतर होगा उसके लिए मैं अधिक से अधिक आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप, मैं अभी फिर से कहता ना चाहता हूँ, अगर आप कोई 35,000 से 40,000 के बीच में अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर लैपटॉप यूज करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अच्छी बात यह है यहाँ पर ये 7th जनरेशन में आपको मिल रहा है, और i3 बेहतर है और इससे भी ऊपर हैं, i5 है और भी ऊपर दिए गए हैं। क्या है, एक बजट के रूप में ये HP का लैपटॉप बहुत ही, और ये इस अभी अगस्त में ही लॉन्च हुआ है, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। और जो चाहते हैं कि नए फीचर्स को यूज करें और यहाँ पर विंडो 10 का यूज करके आप बहुत ही अच्छी तरह से इस लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको और भी कुछ इस टाइप की वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको और भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको मिलता है HP का ये नया लैपटॉप, जिसके साथ आपको मिलता है बेहतरीन फीचर्स। मैं इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं इसमें ऐसा क्या क्या नया है। आपको बढ़िया से इसको डिस्प्ले को ओपन करना है। देखिए दोस्तों, आपको मिलता है यहाँ बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी, और यहाँ पर देखिए बेहतरीन आपको स्पीकर मिलते हैं, और एक बहुत ही अच्छा HD कैमरा मिलता है आपको। HD कैमरे के साथ यहाँ पर मिलता है आपको एक स्मूथ टच फैसिलिटी, और यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल कीबोर्ड मिल रहा है, जो कि टाइपिंग के लिए बहुत ही आसान बनाता है। यहाँ पर आप लैपटॉप को बहुत ही अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं।